हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो हमने बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, दो चीज़ें पढ़नी है बच्चे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, और हाइट को दूसरे वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हो बच्चे, एल्टीट्यूड। क्या बोल सकते हो, एल्टीट्यूड। इट मीन्स बेस इनटू एल्टीट्यूड। ये बेस ब्रेथ नहीं है, ये क्या है, बी स्टैंड्स फॉर बेस, नॉट फॉर ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट देखो इसने क्या बोला, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, याद रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकती हूँ, एल्टीट्यूड। क्या लिख सकती हूँ, एल्टीट्यूड। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं डायरेक्ट। देखो क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन टू बी 6। बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन टू बी 6 एंड एल्टीट्यूड इज गिवन टू बी, एल्टीट्यूड इज गिवन टू बी 5.5 सेंटीमीटर, राइट। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा बच्चे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू एल्टीट्यूड। ए स्टैंड्स फॉर एल्टीट्यूड, इट मींस 6 इनटू, इट कैन बी रिटन एज 55/10, तो 5 11 5 2, ये बन गया 3, तो कितना आ गया, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ओके। सेम अब की बार आपको क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से, सिर्फ आपके बेस और हाइट क्या कर दिए हैं चेंज। दिस इज योर पार्ट नंबर सेकेंड। बेस आपको कितना गिवन है, 4 मीटर। एल्टीट्यूड आपको कितना गिवन है, 2.8 मीटर। फॉर्मूला सेम लगेगा, सो 4 × 28/10, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11/10, इट मीन्स 11.2 मीटर स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, बेस इज गिवन टू बी 3.5 मीटर एंड एल्टीट्यूड इज गिवन टू बी 120 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बच्चे, यूनिट यहाँ पे सेम होनी चाहिए, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर, एंड वी नो वेरी वेल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 3.5 मीटर, इट मीन्स 100 × 3.5/10, 0 से 0 कितना आ गया, 350 मीटर। कितना आ जाएगा, 350 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या निकलेगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि 350 × 120। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। एल्टीट्यूड आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने अलग से फॉर्मूले क्रैम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम हूज एरिया इज 65 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज 13 मीटर। बेस ऑफ पैरेललोग्राम, सबसे पहले क्या लिखोगे, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 13 मीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू एल्टीट्यूड, और दे कितना रखा है, 65 मीटर स्क्वायर, होता कितना है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 65 मीटर स्क्वायर। बेस कितना है बेटा, 13 मीटर इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 65 मीटर स्क्वायर। ये 13 मीटर मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में, सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 65 मीटर स्क्वायर बाय 13 मीटर। 13 5, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, और 2 में से बन गया 1, सो 5 मीटर, सो 5 मीटर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
3. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है. द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 3. बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड. तो बच्चे कम क्या है एल्टीट्यूड. बेस तो ट्वाइस है तो कम को मानोगे आप. लेट एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एक्स मीटर. ठीक है. देन बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2x मीटर इज इक्वल टू 2x मीटर. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन टू बी 392 meter square. ठीक है. वी हैव टू फाइंड इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड. एंड वी नो वेरी वेल एरिया इज गिवन बाय बेस इनटू एल्टीट्यूड. एंड बेस इज गिवन टू बी 2x, एल्टीट्यूड इज गिवन टू बी x इज इक्वल टू 392. इट कैन बी रिटन एज मीटर स्क्वायर. हेयर इट इज मीटर एंड इट इज ऑल्सो इन मीटर. सो 2x into x 2x square और साथ में मीटर स्क्वायर 392 meter square. मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर गया. ये 2 मल्टीप्लाई में बच्चे वहाँ जाके डिवाइड में, तो 392 को 2 से डिवाइड करूँगी तो देखो 2 9 are 18, देन 2 6 are 12. ठीक है. तो यहाँ से बना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 को कैसे लिखोगे देखो. 196 2 2 9 then 8 2 4 then 9 7 7 7 1. इसको लिखा 2 की पावर 2 7 की पावर 2. यहाँ पे पावर 2 में है तो यहाँ पे भी पावर 2 में लिखूंगी. ठीक है. तो जब इसको लिखूंगी तो 7 2 are 14 14 की पावर 2. तो ये बन गया 14 की पावर 2. जब पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा सेम. तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 14 centimeter. x की वैल्यू कितनी आ गई 14. अब देखो ध्यान से x 14 है. x मैंने क्या लिया था एल्टीट्यूड. इट मीन्स एल्टीट्यूड मेरे पास कितना आ गया बेटा 14. x एल्टीट्यूड कितना आ गया 14. हाइट निकालनी है. हाइट कैसे बेस कैसे निकालोगे 2 into 14 2 into x it means 28 meter. ओके. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर गिवन है. उस फिगर पे आपका क्वेश्चन बेस है. ध्यान से देखना. फिगर मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रही हूं. ए बी सी एंड डी. दिस इज एफ ई एंड दिस इज एफ. ठीक है. और कंडीशन दी है बच्चे ए बी इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 22 एंड डी ई इज इक्वल टू 12, डी एफ इज इक्वल टू 8. ठीक है. अब ध्यान से देखना. पैरेललोग्राम एक है. ए बी सीरीज ऑफ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा इक्वल होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं ये लूँ दिस इज बेस वन जिस पे ये बना है. अगर क्वेश्चन में ये लिखा है ना डी ए इज प्रपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये होता है प्रपेंडिकुलर का साइन. जिस पे बना है इस पे बना है तो ये होगा आपका बेस. ये आपका क्या होगा एल्टीट्यूड. क्या होगा एल्टीट्यूड. सेम यहाँ पे दिया हुआ है बी सी. डी एफ इज प्रपेंडिकुलर ऑन बी सी. तो ये आपका बेस, ये आपका एल्टीट्यूड. आ गई मेरी बात सबको समझ. अब ध्यान से देखना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ बेस वन इंटू एल्टीट्यूड वन इज इक्वल टू बेस टू इंटू एल्टीट्यूड टू. क्योंकि एरिया एक ही की बात हो रही है. एक ही फिगर का एरिया है. एक ही फिगर का एरिया है तो इनका एरिया इसके एरिया के क्या होगा इक्वल होगा. ठीक है. बेस वन मैंने क्या लिया है ए बी. एल्टीट्यूड वन क्या लिया है डी ई. बेस टू आपने क्या लिया है बी सी. और ये आपका डी एफ. जो जो वैल्यू आपको पता है पुट कर दो. ए बी 22, डी ई 12, बी सी आपने फाइंड करना है और ये कितना है 8. तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 इंटू 12 बाय 8. 4 3 are 12, 4 2 are 8, ये आ गया 11. सो बी सी इज इक्वल टू 33 centimeter. क्लियर. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, या पैरेललोग्राम नहीं है आपको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ए बी और सॉरी ए सी, एंड दिस इज गिवन टू बी बी, और ये है यहाँ पे आपका डी, ये आपकी ऐसे हाइट है और यहाँ से ये आपकी ऐसे हाइट है, ये ई पॉइंट है और ये आपका एफ पॉइंट है, ठीक है। उसने दे रखा है बच्चे ए सी इज इक्वल टू 42 एंड बी ई इज इक्वल टू 8 एंड डी एफ इज इक्वल टू 6.5। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये फिगर दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रही है, इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं बेस इनटू हाइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रही है तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के अगर प्लस करूंगी तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस, बेस क्या है जिसपे 90 डिग्री बना हो, यानी कि ए सी इज द बेस, ए सी इज गिवन टू बी 42 इंटू हाइट, हाइट देखो इस वाले ट्राइंगल में क्या है बी ई यानी कि 8, ये बन गया 21, तो यहाँ से कितना आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सेम वे वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, क्या होगा हाफ इंटू अगेन बेस इज गिवन टू बी ए सी, इट मीन्स 42 एंड हाइट इज गिवन टू बी 65/10, लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 221, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 5 1 5 देन 3 5 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 into 13, 3 1 3 3 2 6, ये 1 ये 2, तो 3 7 2, तो 273/2, तो कितना आ गया 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, देन 5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। We have to find the area of quadrilateral. It means we have to add them. So area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. It means 168 + 136.5. Clear? अब add करके answer आप लोग मेरे को comment box में दोगे. I hope. इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। सो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई इट बाई योर सेल्फ, इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरी वन।